नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा, हिमालय पर्वत के अलावा भी भारत में अन्य पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत। अच्छा, ये जितने भी पर्वत श्रेणियां आज हम पढ़ने वाले हैं वो सभी इस जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार यहाँ, ये गुजरात, ये राजस्थान, तो ये गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर के ये राजस्थान, फिर हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद के पास एक हिल स्टेशन है पालमपुर, लगभग वहां से ये शुरू होता है। कई किताबों में आपको अहमदाबाद भी मिल जाएगा। तो ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है अरावली पर्वत श्रेणी। गुजरात, राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। देखिए, दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है वो इसी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अथवा प्राचीनतम भूभाग है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने हिमालय पर्वत पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत श्रेणी है, मैंने बताया था। और ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्राचीनतम, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। पहले ये गोंडवानालैंड का हिस्सा था, ये वाला भाग, ये नीचे वाला भाग गोंडवानालैंड का हिस्सा था। गोंडवानालैंड जो कि एक समय में एक महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन गोंडवानालैंड का जब विखंडन हुआ, मतलब वो जब टूटा, तो ये वाला जो भाग है उत्तर की ओर आ गया। और इसके उत्तर की ओर आने से उत्तर में जो भी भूभाग रहा होगा उससे टकराया, जिससे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद यहाँ उत्तर का मैदान बना। लेकिन इनके पहले ही ये जो अरावली पर्वत, ये जो प्रायद्वीपीय पठार के जो भी पठार पर्वत जो भी थे वो पहले से ही बन गए थे। जब ये गोंडवानालैंड का हिस्सा था, ये प्रायद्वीपीय पठार, तभी ये सब अस्तित्व में थे। तो इस कारण से क्या है, ये अरावली पर्वत और इसके अलावा जो भी पर्वत श्रेणियां है सभी इस हिमालय पर्वत से पुराने हैं। तो क्या लगाना है, अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर, जैसे कि हमने हिमालय पर्वत में देखा था, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है। वैसे ही अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, याद रखेंगे। यहाँ कुछ पहाड़ियां स्थित है इसी अरावली पर्वत में, जैसे जरगा पहाड़ी जो कि उदयपुर के पास स्थित है, उदयपुर जो कि राजस्थान का एक शहर है, वैसे ही एक है हर्षनाथ की पहाड़ी। आपको ये याद रखना है कि जरगा पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, माउंट आबू, मैं यहां लिख देता हूं, माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, ये राजस्थान का एक हिल स्टेशन है। तो ये जो है माउंट आबू इसी अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ गुजरात, गुजरात से शुरू होकर के ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और फिर बिहार, ये कुछ ज्यादा चला जाएगा, यहां तक कर लेते हैं हम, ये मानते बिहार। तो ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तक विस्तृत है। कौन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए, याद रखिएगा राज्य। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी में तीन पर्वत श्रेणियां मिलती है, एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी। कैमूर पर्वत श्रेणी यहाँ कहीं है छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विस्तृत है कैमूर पर्वत श्रेणी। उसके बाद है राजमहल की पहाड़ियां जो कि यहाँ बिहार में स्थित है, विंध्याचल की पहाड़ियां, उसके बाद कैमूर, उसके बाद राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां अथवा राजमहल पर्वत श्रेणी अथवा कैमूर पर्वत श्रेणी। तो
तो याद रखिएगा ये तीनों इसी क्रम में, पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर कैमूर पर्वत, फिर राजमहल की पहाड़ियां, याद रखेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अच्छा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक चीज याद रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है कि ये देखिए भारत के बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में, तो उत्तर भारत की नदियां इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कारण उत्तर में ही बहती है और दक्षिण भारत की नदियां दक्षिण में ही बहती है, क्योंकि बीच में ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां है तो इसके उस पार नहीं जा पाती है। याद रखेंगे जैसे कि उत्तर भारत में जितनी भी नदियां बहती है अधिकांशतः गंगा में जाकर मिलती है, और बाकी दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि अरब सागर में मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब हम देखते, अच्छा इसको एक चीज और याद रखिएगा, मैंने बताया अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है अरावली पर्वत श्रेणी के बाद में हुई है, मतलब पहले ये बना उसके बाद फिर ये, याद रखेंगे। अब देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है गुजरात, गुजरात से, कि गुजरात कुछ ऐसा है तो यहां से हम लेंगे गुजरात से इधर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ तक, जो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव कवर्धा वाला जो भाग है वहां तक विस्तृत है। मैं इसी से कर रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ तक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये जो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव कबीरधाम वाला जो क्षेत्र है वहां तक विस्तृत है इधर गुजरात। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है धूपगढ़ पर्वत शिखर, धूपगढ़। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां, तो मैकल पर्वत श्रेणी जो कि इस तरफ है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में विस्तृत है, मैकल पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है जो कि इसी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, उसके बाद है मुल्ताई पर्वत श्रेणी और महादेव पर्वत श्रेणी। ये जो धूपगढ़ है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है इस महादेव पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, याद रखेंगे। इसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उनको भी देख लेते हैं हम, जैसे पचमणी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सभी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान भी। तो अब देखिए यहाँ चार चार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मतलब क्या, ये सतपुड़ा जो है काफी मतलब वन जंगल वाला पर्वत है, तो इस कारण से क्या कहा जाता है सतपुड़ा को, जंगलों की रानी, जंगलों की रानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को याद रखेंगे। इसके अलावा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में संगमरमर की खाने मिलती है, संगमरमर जिसे भवन निर्माण किया जाता है, मंदिर बनाया जाता है, कई सारा भवन बनाया जाता है संगमरमर के पत्थर से, तो संगमरमर की खाने इस सतपुड़ा पर्वत में मिलती है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इनके बीच में जो मैकल पर्वत श्रेणी है वहां एक स्थान है अमरकंटक, तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, ये जो कि अरब सागर में मिलती है, नर्मदा नदी इधर अरब सागर है इधर बंगाल की खाड़ी, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। अब देखिए ये जो तीनों है एक दूसरे के समानांतर है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ये जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी है वो यहाँ, ये यहां से गुजरात वाला हिस्सा, फिर यहां से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, तो महाराष्ट्र से लेकर के पूरा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल, ये क्या है सह्याद्री पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल तीनों राज्य में विस्तृत है, इसको ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से केरल तक सह्याद्री पर्वत श्रेणी विस्तृत है। अच्छा इधर देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कुछ ऐसा बताया था यहां से, तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है, और जैसे मैंने भारत का भौतिक स्वरूप चार भागों में बांटा था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इसके अलावा चौथा भाग मैंने बताया था तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, ये जो है तटीय प्रदेश, ये जो कि सागर से लगे हुए हैं, तो इसको कहते हैं, इस तरफ वाले भाग को कहा जाता है
पश्चिमी घाट और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो ये सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में, याद रखना है आपको। अब देखिए सह्याद्री पर्वत को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग? उत्तरी सह्याद्री, जो महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पर्वत का जो हिस्सा पड़ता है उसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। दूसरा कर्नाटक वाला भाग, उसको कहते हैं दक्षिण सह्याद्री। कर्नाटक वाला भाग को दक्षिण सह्याद्री। और उसके बाद जो केरल वाला है, केरल, केरल में सह्याद्री पर्वत का जो हिस्सा पड़ता है उसे कहते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ये पूरा एक ही पर्वत है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक भी माना जाता है, क्योंकि इसको तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहा जा रहा है इस कारण से। तो अब देखते हैं हम इन तीनों को अलग अलग। पहले देखते हैं हम उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जिसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई। याद रखना है आपको, कालसुबई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद यहाँ कुछ दर्रे हैं वो देख लेते हैं हमने। जैसे हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ दर्रे देखे थे, तो वैसे ही दक्षिण भारत में भी कुछ दर्रे हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं दर्रे। तो इसमें दो दर्रे हैं, पहला थालघाट दर्रा, दूसरा भोरघाट दर्रा। ऊपर में है थालघाट, नीचे में है भोरघाट। ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में इस उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रेणी में। अब देखिए ये जो यहां पर है मुंबई, यहां कहीं मुंबई है, सॉरी ये मेरा पेन अच्छे से चला नहीं रहा है, यहां है मुंबई। अब हमको ये जो थालघाट दर्रा है ये मुंबई से हावड़ा जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, मतलब कि मुंबई से लेके हावड़ा, हावड़ा जो कि कलकत्ता के पास एक नगर है, अथवा आप कलकत्ता भी कह सकते हैं, हावड़ा अथवा कलकत्ता, मुंबई से हावड़ा अथवा कलकत्ता जो राजमार्ग जाता है वो इसी थालघाट दर्रे से होकर जाता है। ये कह सकते हैं कि बॉम्बे टू हावड़ा कहां से जाते हैं? थालघाट दर्रा से होकर। उसके बाद ये है भोरघाट दर्रा, नीचे वाला भोरघाट दर्रा। ये मुंबई से पुणे, यहाँ पुणे है, महाराष्ट्र का एक नगर है, इस तरफ है पुणे, फिर कर्नाटक में एक नगर है बेंगलुरु, और चेन्नई जिस सॉरी तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई, यहां कहीं होगी चेन्नई, यहां बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और यहां महाराष्ट्र में एक नगर है पुणे। तो अब देखिए, अब मुंबई से निकले पुणे जाना है, मुंबई से पुणे जाना है तो इस भोरघाट दर्रे से होकर जाना होगा। हाँ, तो क्या कह सकते हैं, मुंबई टू पुणे जो राजमार्ग है उसके मध्य में भोरघाट दर्रा है। वैसे ही अब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो सड़क भी होगा, इनके बीच भी सड़क होगा। तो अब जो है प्रश्न आपको ऐसा भी पूछ सकता है, बॉम्बे टू बेंगलुरु, बॉम्बे टू चेन्नई के मध्य मतलब कौन सा दर्रा स्थित है, कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है, तो ये भोरघाट दर्रा ही आएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री में महाबलेश्वर, मैं यही लिख देता हूं महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो कि इसी उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, एक धार्मिक स्थल है, एक पर्यटन स्थल है, और इसी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, याद रखेंगे महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखते हैं दक्षिण सह्याद्री, ये कर्नाटक वाला भाग, दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख याद रखना है आपको, इस कुद्रेमुख की पहाड़ियों से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है, यहाँ उत्तम किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध होता है, और इसी कुद्रेमुख की पहाड़ियों के चलते कर्नाटक राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जो कि ये केरल वाला भाग है, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का। इसकी ऊंची चोटी आपको याद रखना है अनाईमुड़ी, जी अनाईमुड़ी, जो कि ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने देखा था हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वैसे ही दक्षिण भारत, इस पूरे दक्षिण भारत हिमालय को छोड़ करके सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, याद रखना है आपको। उसके बाद इसमें दर्रा है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा मतलब यहां कहीं होगा पालघाट दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, पालघाट दर्रा। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कार्डेमम की पहाड़ियां जो कि इस अन्नामलाई पर्वत के अंतिम छोर में इस तरफ स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ी,
अंग्रेजी में इलायची को कहा जाता है कार्डेमम, तो इसको जो है इलायची की पहाड़ी भी लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कार्डेमम की पहाड़ी अथवा इलायची की पहाड़ी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कि यहाँ दक्षिण में स्थित है। ये था अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, आपको ये अनाईमुड़ी याद रखना है। दक्षिण भारत अथवा हिमालय को छोड़कर के शेष भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। उसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का विस्तार कुछ ऐसा है, यहां से ये नीलगिरी की पहाड़ी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। इसका जो विस्तार है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी की, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का। यहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी में नीलगिरी एक वृक्ष का नाम होता है नीलगिरी, तो इस पर्वत श्रेणी में नीलगिरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसकी अधिकता है, इस कारण से इस पर्वत श्रेणी को नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, याद रखेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। देखिए अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो है दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2637 मीटर, याद रखना है। इस नीलगिरी की पहाड़ियों में मेलागिरी और सत्यमंगलम जंगल पाए जाते, मतलब स्थित है, मेलागिरी जंगल व सत्यमंगलम जंगल। देखिए मेलागिरी का जो जंगल है ये चंदन, चंदन जो एक लकड़ी होता है, एक वृक्ष होता है, तो चंदन के लिए प्रसिद्ध है मेलागिरी का जंगल। और इसी मेलागिरी के जंगल में प्रसिद्ध चंदन तस्कर वीरप्पन, यहीं पर मतलब वो कुख्यात था वीरप्पन, याद रखेंगे। मेलागिरी के जंगल चंदन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है मैंने बताया ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये वाला पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है किसे, नीलगिरी पर्वत श्रेणी को। देखिए इस तरफ ये जो है पूर्वी घाट को भी स्पर्श कर रहा है, इस तरफ पश्चिमी घाट को भी स्पर्श कर रहा है, इस कारण से क्या कहते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो ये थे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।